students, subscribe and press the bell icon to never miss a video from True IITians. अगर आपको कॉन्सेप्ट वीडियो चाहिए किसके रिलेशन फंक्शंस के, तो आप नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करें या फिर इस नंबर पर कॉल करें। इस वीडियो में हो सकता है कि काफी ज्यादा बैकग्राउंड नॉइज आ रही हो, उसका कारण ये है कि बारिश हो रही है, इसलिए तो थोड़ा बियर अप कर लें। क्वेश्चन भी बहुत आसान है, जल्दी जल्दी पार करके देख लीजिए। फंक्शन का आपको फॉर्मूला दिया हुआ है, हमें एफ टू कैलकुलेट करना है। बहुत ही आसान सा सवाल है, एफ एक्स इज इक्वल टू 144 माइनस 16x स्क्वायर, जहां पे आपको x की जगह 2 पुट कर देना है, तो 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 4, है कि नहीं? तो 16 इंटू 4 होता है 64, तो 144 माइनस 64 तो ये हो गया 80, ये तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला पार्ट हम लोगों ने कर लिया है, रेड बॉक्स दे देते हैं इसे, ओके। अब हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है जब fx 0 है। चलो यहां पे भी स्क्वायर वाली समस्या है, ठीक है, स्क्वायर को सही करते हैं। देखिए वोल्टेज अप एंड डाउन हो रहा है, लाइट जो है थोड़ा गड़बड़ कर रही है, इसलिए क्योंकि बारिश हो रही है। मैं कानपुर में रहता हूं, यहां पर जब भी बारिश होती है तो लाइट चली जाती है, आई डोंट नो ऐसा क्यों, ठीक है। और fx इज इक्वल टू 0, 16x स्क्वायर, और आपको पूरी दुनिया में कहीं पे भी कानपुर वाले मिल जाएंगे तो वो 50 बार बताएंगे कि मैं कानपुर का हूं, ठीक है, वो बीमारी मुझे भी है। अब आप देखिए कि अंडर रूट आप ले लेंगे, तो अंडर रूट 144 होता है या 12, और अंडर रूट 16 होता है 4, लेकिन हम लोगों को क्लास 11th में होने की वजह से प्लस माइनस 3 पे जाना होगा। अच्छा, मैंने आंसर पहले ही बता दिया, 4 3 12, आप भी समझ सकते थे, इसलिए प्लस माइनस में आंसर रिपोर्ट करिए। जब भी क्वाड्रेटिक हो, स्क्वायर हो, तो आपका आंसर पॉजिटिव नेगेटिव में आ सकता है, या ये तो यूं समझिए कि स्क्वायर है क्वाड्रेटिक है, तो दो आंसर आपके आने चाहिए, ठीक है। यहां पे प्लस माइनस 3 इज योर आंसर। एग्जाम में अगर लिखना है तो x इज इक्वल टू माइनस 3 एंड प्लस 3, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, बट दिस इज ऑल्सो इक्वली एक्सेप्टेबल। सो दिस इज डन नाउ।